कराई थी आप? बहुत चैलेंजिंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं डेली लाइफ में कुकिंग नहीं करती हूँ, और इस टूटे हाथ के साथ करना मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि एक लोगों को मिल जाता है कि नहीं यार उसका हाथ टूटा है शायद इसीलिए नहीं करना। कहना बनाते हैं डेली लाइफ में नहीं करती, यहाँ भी नहीं कर रही कुछ, वो ही कर रहा है बेचारा सब कुछ। मैं तो कह ही नहीं रहा कर उसे सपोर्ट टेबल पे बैठ के नहीं, बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ऑफकोर्स, बट बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ना नई चीज़ें एक्चुअली रोज़ जब ऐसे सामने आती है और आपको इतनी सारी डिशेस बनानी होती है तो सबको देख देख के थोड़ा मैं चीटिंग कर लेती हूँ, इधर उधर जाके कुछ कुछ देख कर आती हूँ। और हमारे टमाटर उठा के लेके दिए, बहुत कुछ उठाया मैंने तुम्हें पता भी नहीं चला, बट एनी वे विक्की बहुत डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेकर, तो आई हैव अ बेस्ट पार्टनर। यस करण एंड अर्जुन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे, आप दोनों के लिए कितना चैलेंजिंग है? किसी के लिए चैलेंजिंग है? कोई एक चीज में परफेक्ट हो आप? अर्जुन बहुत अच्छा कुक है मतलब नहीं, बट एक्चुअली अर्जुन है, अर्जुन नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, एटलीस्ट मैं बहुत क्लूलेस हूँ तो अर्जुन ही बचा। नो बट आई थिंक करण जब भी उसे कुछ बोलो तो वो बेसिक कॉमन सेंस यूज कर लेता है और जो भी उसे टास्क दिया जाता है तो वो कर लेता है। हमारे खाने अच्छे बन रहे हैं, एंड वो चॉपिंग बहुत अच्छी कर लेता है, तो मुझे परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम मिला है करण के रूप में, और सच में करण मुझे तो एक्चुअली जोड़ी बहुत सही है, जोड़ी बहुत सही है। मैं कर रहा, मैं तेरी तरह नहीं एक हाथ लेकर कुछ तो कर रहा हूँ, बट हाँ, बट आई थिंक अर्जुन इज द परफेक्ट पार्टनर फॉर मी एटलीस्ट। हम लोग मेरी बीवी सुन के थोड़ी तो खुश हो गई। अर्जुन ये घर पे जाके कितना टिप्स इस्तेमाल करते हैं? मुझे, मैं नहीं चाहता नया शो देखे, मैं चाहता बेबी ये बना दो, बेबी वो बना दो। बाय द वे देहा बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाता है, ये जलेबी भी बहुत अच्छा बनाता है। विक्की साहब से जानना चाहेंगे, हां जी, काफी ज्यादा चैलेंजिंग आपको रहा है, मैंने जैसे पर्सनली देखा हाथ दिखने के बाद, मैंने कुछ नहीं कहा, देख ये जनता बोल रही है, मुझे पाल उन्हें बहुत हाँ आपके लिए कितना चैलेंजिंग चैलेंजिंग नहीं रहा है, चैलेंजिंग नहीं रहा है, ये जो घर की आदत है वो सामने आ रही है, ये काम रोज करने पड़ते हैं घर पे भी, तो यहाँ पे भी कर रहे हैं उतना ही है चैलेंजिंग। यहाँ पे एटलीस्ट पैसे मिल रहे हैं सब करने के, हाँ यहाँ कम से कम फ्री में नहीं कर रहे, पैसे मिल रहे हैं, हीरा मिलता है ना कोयले के घर खान में, उसको मिल गया। वेल करण, आपकी अगर मैं बात करूं, विक्की बहुत अच्छा कुक है, मुझे लगा नहीं था विक्की एक्चुअली फर्स्ट वीक में, वैसे हमें दो स्टार मिले थे, जैसे इनको स्टार मिले ना पिछले वीक में, हमें दो स्टार मिले थे, तो ऐसा कह सकते हैं कि हम, मुझे ऐसा लगता है विक्की अच्छे बुरे छोड़ो बहुत डेडिकेटेड होता है, कोई चीज़ करता है तो उसे पता है कि उसे क्या करना है, शायद वो अच्छा रिजल्ट उसका वैसा नहीं आता, लेकिन ही गिव्स इज 100%। कुकिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट्स डेफिनेटली नॉट फॉर एवरीवन, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, और जो बनाते हैं आई रियली हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि खाना अब रियलाइज़ होता है कि बनाना बिल्कुल आसान बात नहीं, हमसे मम्मी को बोल देते हैं मम्मा बना दे, बट इतनी मेहनत होती है, हमें इतना कुछ करने के लिए इतना दिमाग लड़ाना पड़ता है, उसमें कहीं कहीं क्लैश हो जाता है, बहुत चीज़ हो जाती है, लेकिन ही इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड ही इज़ अ गुड पार्टनर। एक बात तो है, इस शो से हम कुकिंग थोड़ी बहुत सीख जाएंगे। चौंका जो अंकिता कुछ भी कहे एंड में कहती है ही इज़ अ लवली पार्टनर, ही इज़ अ लवली। नहीं नहीं, मैं तो कहता देख ले प्लीज, ताकि मुझसे कोई डिमांड्स ना रखी जाए, वो देखेगी सब लोग जिन जो मुझसे उम्मीदें रख रहे हैं कि मैं कुछ इस शो के बाद बनाऊंगा, अभी तो दो ही दिन हुए हैं बट हमने काफी कुछ सीख लिया, बट मुझे लगता है कि करण अगर बनाएगा तो अच्छा ही बनाएगा, वो बना लेगा, क्या वैसे बोल रहा है कूल बनने के लिए, लेकिन क्या बनाएगा, क्या बनाएगा। नहीं भाई, हमने पिछली बार लड्डू बनाया था और मैं लेके गया था लड्डू, लड्डू के लिए लड्डू, अरे नहीं पहली बार पता चल रहा है कि ऐसे मतलब लड्डू बनाने के पीछे इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हमें नहीं पता, हम तो जाके ऐसे खा लेते हैं, आधा वेस्ट भी कर लेते हैं, इसने निकाले उसमें से छोटे छोटे उसको इकट्ठा किया, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। आप चारों से जाना चाहेंगे, अभी जिस तरह से अंकिता ने कहा यू नो कि हम सिर्फ मम्मा को बोल देते हैं खाना बना दो, कितनी और रिस्पेक्ट। मैं तो पहले दिन ही कह दिया था, पहले दिन ही कह दिया था कि जो भी खाना बनाते हैं हम लोग, कभी होता है ना 5 मिनट, हम सभी करते हैं, कभी 5 मिनट लेट हो जाता है तो हम कहते हैं अरे जल्दी करो, जल्दी करो, अब हम सब ये नहीं कहेंगे जल्दी, कभी नहीं कहेंगे कि भाई जल्दी करो, बिकॉज इट एक्चुअली अच्छा अगर चाहिए तो टाइम लगता है, और हमारे पेरेंट्स या मतलब जो भी घर वाले हैं वो इतने ट्रेंड होते हैं कि वो कम टाइम में भी बहुत अच्छा खाना दे देते हैं हमें, सो आई थिंक रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी हु मेक्स फूड और जो प्यार से सर्व भी करें।
मेरी मम्मी के हाथ का, माँ के हाथ का हर खाना ही टेस्टी होता है यार, कोई सभी चीज अच्छी होती है। करण सर ये आया क्वेश्चन, शादी हो चुकी है क्या आप इसके बारे में तो जानते हैं? इसकी शादी के बारे में ज्यादा दिल दुखा हो, टूट रहा लग रहा है। आप रिसेप्शन में भी गए थे, कुछ ऐसी जानकारी मिली थी हमें। मैं समोसा बना रहा था कल, बहुत अच्छा। हम बात कर रहे थे ना समोसे की, तो समोसा अंदर से कच्चा रह जाए वो इतना मुश्किल होता है। भाई हम जाते हैं दुकान में, भाई लगा दे यार समोसे। अरे उसको कांग्रेचुलेशन बोल देना, मुन्ना बधाई हो अगर तेरी शादी हो। अरे पता भी नहीं ना, बहुत खुश हो रही है। अगर तेरी शादी हो गई है तो तुझे बधाई। मत खोलो ये पंडोरास बॉक्स, अगर वगैरह में मत जाओ। जब जब देखो मुनव्वर को बताना होगा तो बता देगा ना, सिंपल। मतलब बाहर वाले फ्रेंड्स बताना अलाउड नहीं है ना अभी, नहीं तो इसी शो में। नहीं नहीं हमारे सामने एक साथ ही एक साथ ही एक ही डिश बनानी होती है। हाँ, अलग अलग नहीं बनानी होती है, सामने एक डिश सारों को एक साथ बनानी। हमें यही आकर पता चलता है कि हमें क्या बनाना है। और यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज, कि जब हम इंग्रेडिएंट्स लेने जाते हैं ना, वहाँ लिखा भी नहीं होता है कि मैदा है राइस फ्लावर है। तो कई बार जैसे मुझे एक दिन मैदा दिया था, तो हम राइस फ्लावर आटा नहीं बन रहा मेरे हाथ से, वो पता चला राइस था, राइस फ्लावर था। सो दैट इज द टफ पार्ट, कि हमें इंग्रेडिएंट्स भी सही चूज करने और फिर खाना तो सही बनाना। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो यहाँ के पता चली कि चावल का भी आटा होता है, इसका भी आटा होता है, वहाँ पे एक्चुअली चार